उनको मुख्तलिफ़ किस्म की असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं एक जो बेहतरीन टीचिंग या इंस्ट्रक्शन कहलाती है वो ये है कि डायरेक्टली टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सोलूशन ना बताए बल्कि उनको उस प्रोसेस से गुजारे जिसमें वो उस प्रॉब्लम का सोलूशन निकाल लें प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकता है वो एक रिसर्च का क्वेश्चन हो सकता है वो रिसर्च का एक प्रपोजल हो सकता है वो एक असाइनमेंट हो सकती है वो एक कोज हो सकता है वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आपने गाइडलाइन तो दे दी स्टूडेंट्स को लेकिन अब आपने कहा है कि आप ग्रुप में काम करें और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है मुखलिफ़ स्टेप्स को कम्प्लीट करके लेके आए तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग तो स्किल जो है वो आप इस तरह से करते हैं जब वो उसके अंदर जो मौजूद प्रोजेक्ट के पार्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं आपने अगर इंडिविजुअल कहा है एक शख्स को कि वो उसकी पूरी समरी तैयार करके लाए उसके ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाए और डेटा इकट्ठा करके लाए उसके बाद एनालिसिस का हिस्सा आपने किसी और को दिया है इस तरह तीन या चार लोग मिलके जो है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं जिसमें वो अपनी एफ़र्ट्स को पुट कर रहे हैं वो किसी ऑलरेडी बनी हुई इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर रिलाई नहीं करते अगर रिलाई करते भी हैं तो उसको अपने काम के साथ रिलेट करके आपको बताते हैं ज़िंदगी में हमें एवरी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम मुख्त किस्म की कॉपिंग स्टाइल्स हैं मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो हैं वो ये जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो या तो रोने बैठ जाते हैं या फिर लोगों को ढूंढते हैं जो उनका इस प्रॉब्लम में से निकालें एक दूसरा शख्स है वो उस प्रॉब्लम में से निकलने के सोलूशन बड़ा वाइजली बैठ के डिसाइड करता है कि जिससे वो कहता है कि अगर मैं ये वाला एक्शन लूँ तो इससे मुझ पर क्या इफेक्ट आएगा मेरे घर वालों पर क्या इफेक्ट आएगा मेरी पूरी फैमिली इससे जो है कितना फ़ायदा उठाएगी तो प्रॉब्लम सोलूशन की जो एक प्रैक्टिस है वो हम सारी ज़िंदगी करते हैं हमें सोलूशन जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का मतलब है टेंटेटिव गैस हम टेंटेटिव गैस करते हैं कि अगर मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करूं मुझे पचास हज़ार से ये स्टार्ट हो जाएगा अगले साल जाके ये मुझे बेनिफिट देगा या पूरा साल मुझे बगैर बेनिफिट के गुजारना पड़ेगा वो मैं कैसे गुजारूंगा यानी पूरा एनालिसिस करने के बाद आप एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इसलिए मुझे इस काम को कर लेना चाहिए तो इसलिए ये सारा प्रॉब्लम सोलूशन प्रैक्टिस जो है वो आप अगर अपने आप को पेशेंस में रखें और बड़े ही सुकून से कोई फ़ैसला करें तो वो हमेशा फैसला आपका जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद होता है